हेलो डियर स्टूडेंट्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं चलिए आज के इस क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग दिवाली मना रहे होंगे तो फिर आज के इस क्लास में 50 क्वेश्चंस के जगह पे हमने 25 क्वेश्चंस रखा हुआ है तो ये सेशन आप लोगों को एस एस सी एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ एन और एस एस सी और सी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने अपकमिंग कोर्सेज के बारे में बता दूँ काफ़ी समय आप लोग की क्वेरीज रहती है कि मान लीजिए हिस्ट्री का बैच कब स्टार्ट होगा ज्योग्राफी कब से शुरू हो रहा है पॉलिटी कब से शुरू हो रहा है बायोलॉजी फिजिक्स इकोनॉमी तो अभी आज आपके पास एक ऐसा दिन है जिसमें आपके पास बायोलॉजी जो है वो 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो 16 दिसंबर से 21 दिसंबर से आपका ज्योग्राफी शुरू हो रहा है इलेवेंथ ऑफ जनवरी से हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है एट्थ फेब्रुरी से पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स आपका एट ऑफ मार्च ट्वेंटी से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि सारे सब्जेक्ट जो आपका एक कंप्लीट जी फाउंडेशन बैच रहता है ऑलरेडी हम लोगों ने फाउंडेशन एक साथ कंप्लीट किया हुआ है आप उस कंप्लीट बैच को भी एक्सेस कर सकते हो अभी फिलहाल हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फाउंडेशन पढ़ रहे हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हो और सभी एडुकेटर्स के द्वारा सभी बैचेस ऑल कोर्सेस ऑल कोर्सेस by ऑल educators आप एक्सेस कर सकते हो अगर सी भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है तो भी क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए अगर केस आपका सी भी आता है तो भी आपका एक कंबाइंड सिलेबस रहता है एक ओवरऑल आपको फाउंडेशन पढ़ना होता है तो ये जो आपका ओवरऑल फाउंडेशन है तभी भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा ये सभी क्लासेस और सभी एडुकेटर्स के सभी क्लासेस आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है आपको प्री मतलब टीयर वन और टीयर टू के लिए जिसमें आपको मैथ्स और इंग्लिश सिर्फ पढ़ना है जिसका कल से आप में से जितने लोग टीयर टू लिखेंगे उनका टीयर टू का कल पेपर भी है तो यहाँ पे ये कंबाइंड आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलता है नो सेपरेट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एस एस सी एग्जामिनेशन अगर आप जेई के लिए भी पढ़ रहे हैं तो वो भी इंक्लूडेड है दैट इज कम्पलीट एस एस सी आपको अवेलेबल है वन फिफ्टी एडुकेटर्स के सभी कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं आपको जो सिलेक्टेड उसमें से पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं ठीक है सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू इन द बिगिनिंग इट सिर्फ इस बैच को इनमें से किसी भी बैच को कम्प्लीट एस एस सी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए आप मेरा कोड ए एन टी ए आर ए वन जीरो दैट इज अंतरा टेन यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में जिसका डिस्कवरी ने यहां पे उनको नोबल प्राइज भी दिया तो अगर अभी तक आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर्स के नाम नहीं पता है मतलब यू आर मिसिंग आउट अ लॉट क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ठीक है तो इसको जैसे मैंने आपको बताया था सीपीओ के सेशन के डे वन में ही कि आप साथ साथ कीवर्ड्स नोट करते जाइए अगर आपको नहीं पता है तो फिर लिखते जाइए साथ, साथ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किन्ों डिस्कवर किया था जे जे थॉम्सन ठीक है प्रोटोन यहाँ पे देखिए पी के बाद लगा हुआ है रतरफोट पे आप टिक करेंगे अगर रतर नहीं है तो आप क्या करेंगे तो आप गोलस्टेन पे टिक कर सकते हैं न्यूट्रॉन ध्यान रखिए न्यूट्रल सा इंसान है तो यहाँ पे चांद जैसा इंसान है लेकिन एन नाम में नहीं है तो फिर चैडविक है इस छोटे से ट्रिक के साथ आप इलेक्ट्रॉन बाय जे जे थॉम्सन प्रोटोन फर्स्ट प्रेफरेंस रदरफोर्ड नहीं है ऑप्शन में तो गोलस्टेन और न्यूट्रॉन जो है वो चैनविक ने चैडविक यहां पे इन्होंने डिस्कवर किया आंसर बताइए फर्स्ट करेक्ट आंसर मैथ्स क्लासेस बिल्कुल सही करेक्ट सो ऑप्शन नंबर वन ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए दैट इज टू इज द करेक्ट आंसर जितने लोगों को नहीं पता प्लीज आप इस सीरीज से इसको जरूर याद रखें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज द्रोनावली हरिका कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस पदमाश्री एवॉर्ड द्रोनावली हरिका को निम्नलिखित में से किस खेल के लिए पदमाश्री एवॉर्ड दिया गया चेस के लिए क्रिकेट के लिए आर्चरी के लिए कि बैडमिंटन के लिए फर्स्ट करेक्ट आंसर बताइए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आंसर पता है तो पता है इस तरीके का क्वेश्चन है सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बताइए एक बार सेशन को यहां से आप लोग शेयर भी जरूर कर दे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और इसे एक बार लाइक भी कर दे तो एक बार मैं सेशन को यहां पे फटाफट से शेयर कर देती हूं ठीक है तो सेशन को मैंने शेयर कर दिया है अब बताइए आंसर क्या होगा इसका ड्रोनावली हरिका इज एसोसिएटेड विथ चेस चेस से एसोसिएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मीडिया कंपनी दैट प्रोड्यूस्ड दैजेंडरी स्टूडियो ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स्यूज मी सॉरी नेम दी मीडिया कंपनी दैट परचेस्ड जिसने खरीद लिया किसे खरीद लिया ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स जो है इसे आपका किसने खरीदिया इसके स्टूडियो को तो इसको डिज्नी ने खरीदा हु परचेज इट इट वॉज परचेस्ड बाई डिजनी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो वॉज परचेस्ड बाई डिजनी तो इधर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नॉट येट ऑप्शन नंबर वन दैट इज डिजनी ने परचेज किया नेक्स्ट क्वेश्चन एस ऑन जनवरी 2020 श्री भूपेश बाघल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देखिए पॉलिटी के अंदर बहुत अच्छा कॉस्ट बेनिफिट रहता है कि आप गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के नाम यहाँ पे याद रखें तो भूपेश बाघेल जो है वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा हरियाणा छत्तीसगढ़ या झारखंड ये तो पता होगा बहुत लोग को बताइए आंसर लास्ट क्वेश्चन बता रहे उड़ीसा छत्तीसगढ़ कहाँ के बताओ उड़ीसा नहीं छत्तीसगढ़ थ्री इज द करेक्ट आंसर रघुवीर सिंह फर्स्ट करेक्ट आंसर वेरी गुड प्रियव्रता वानी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इज द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड इन फोर कन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज अभी तक के पहले और वैसे भी पहले ऐसे एक लौते बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किया है डबल हंड्रेड मतलब हंड्रेड हंड्रेड टू हंड्रेड डबल हंड्रेड और एक बार नहीं फोर कंजीक्यूटिव टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट सीरीज में टू हंड्रेड दूसरे में भी टू हंड्रेड तीसरे में भी टू हंड्रेड चौथे में भी टू हंड्रेड ऐसे कौन से बैट्समैन हैं फर्स्ट और एक लौते जिन्होंने फोर कंजिक्यूटिव टेस्ट सीरीज में डबल हंड्रेड स्कोर किया है हुई सी ऑप्शन नंबर टू वानी बिल्कुल सही प्रियव्रत रघुवीर करेक्ट आंसर इट इज हु इज ही ही इज रोहित ही इज विराट कोहली सो टू इज योर करेक्ट आंसर विराट कोहली इज योर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोलाथनादु वल्लुवंड एंड एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आपसे पूछा है कि जो कोलाठू नाडू है वल्लुवनाड है और कहाँ पे स्थित हो सकते हैं कहाँ के स्मॉल किंगडम्स हो सकते हैं अब देखिए बिहार और गुजरात तो बिल्कुल नहीं लग रहा है दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया तो आपके पास बचे 50 50 केरला कर्नाटका जिसमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हिंट मैंने आपको दे दिया है आप नाम लिख के बताइए चैट बॉक्स में हैप्पी दिवाली शुभम हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इस एटलीस्ट आज हम 50 क्वेश्चंस नहीं कर रहे बाकी दिनों की तरह जो कि 10 पीएम सेशन रहता है आज हम 5 पीएम को 25 क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आप बैक टू दिवाली मोड चले जाइए ऑप्शन नंबर टू शिवम राज वेरी गुड फर्स्ट करेक्ट आंसर दैट इज योर केरला ओके सो कोलाटोनाडू स्मॉल किंगडम ऑफ केरला नेक्स्ट क्वेश्चन सर थॉमस रॉय

फिर थॉमस रोई तो ये दोनों जो है किसके कोर्ट में आए थे मुगल शासक कौन से मुगल शासक के कोर्ट में आए थे तो मुगल शासक का सीक्वेंस क्या है भज सब बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब बहादुर शाह वन फिर लेटर मुगल्स तो इनमें से किसके तीनों पर ये इधर किसके कोर्ट में आए थे बताइए सभी लोग नाम लिख के बताइए विकास इज राइटिंग ऑप्शन नंबर थ्री गुरविंदर करेक्ट शिवम विकास प्रियव्रत वानी साहिल वरुणी रियल ओके okay, करेक्ट शिवम हाँ ठीक है ओके सो ऑल करेक्ट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन जहांगीर के कोर्ट में रोई एंड हॉकिंस पहले हॉकिंस का कुकर टूटा फिर रोई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ फेब्रुअरी 2020 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका फेब्रुवरी 2020 में प्रेसिडेंट ऑफ देखिए प्रेसिडेंट पूछे उस पूरे दोनों ही क्वेश्चन के लिए आपको क्या याद रखना है राजपक्षा ब्रदर्स और एक ही ऑप्शन है राजपक्षा ब्रदर्स में से वो कौन है बताइए जल्दी से तो यहाँ पे गोतबया राजपक्षा इज योर करेक्ट आंसर क्योंकि एक ही है राजपक्षा ब्रदर्स में से महिंदा राजपक्षा गोतबया राजपक्षा तो हु इज द प्रेसिडेंट 2020 फरवरी के लिए पूछा है तो गोतबया राजपक्षा

तो फिर यहां पे पूछा है वो थाई का बोन है तो यहां पे नॉट पूछा है है ना तो नॉट सी क्लियरली बताइए आंसर आंसर बताइए कौन सा नहीं होगा क्लियरली आंसर दिख रहा है विच इज नॉट पूछा है ना फर्स्ट करेक्ट आंसर जो मुझे स्क्रीन पे यहां पे दिखाई देगा बताइए जल्दी से ओके आई कैन सी प्रियोब्रत त्रिपाठी हैज हैिवेन द करेक्ट आंसर हियर फेमूर फेमूर जो है वो थाई का बोन है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एंड द लॉन्गेस्ट बोन राइट right? ईयर बोन नहीं है मेलेस, इनकस मेलेयर ये का बोन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई सलमान रशीदी निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सलमान रशीदी द्वारा नहीं लिखा गया है मिड नाइट चिल्ड्रेन येस डेफिनेटली सटेनिक वर्सेस यस सेम यस मिर्नाइट चिल्ड्रेन इज अ वेरी ब्यूटिफुल बुक एज वेल तो यहां पे जो नहीं लिखा गया है वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस ये तो काफी बार पूछा है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है ये भी एक क्वेश्चन है है ना तो टू इज नॉट रिटर्न बाय सलमान रशी अभी हम उस क्वेश्चन में भी आ रहे टू कितने लोगों ने आंसर बताया टू आकाश टंडन करेक्ट दर्ल्ड फूड प्रोग्राम दैट इज दी डब्ल्यू एफ पी फूड एसिस्टें यूनाइटेड नेशन वेर इज इट हेडक्वार्टर ये हमने काफी बार जो है आपका स्पेशल क्लास के अंदर भी किया था हेडक्वार्ट क्या है इसका आंसर पिज्जा से याद किया था हम लोगों ने तो रोम में आपका ये लोकेटेड है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर वन मोर थिंग प्लीज रिमेम्बर इस तरीके से अगर आप स्टेटिक में डे एंड डेट याद करना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेज एंड हेड क्वार्टर ये सभी फ्री क्लासेस आपको स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगा दी अनकेडमी ऐप इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लस क्लासेस आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस भी मिलते हैं और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी स्पेशल क्लासेस मैं डेली टू पी एम को कंडक्ट करती हूँ तो अगर आप लोग मेरा नाम से सर्च करेंगे फिर आप फॉलो बटन पे क्लिक करेंगे और आप स्पेशल क्लासेस आपको दिख जाएगा है ना कल का टू पी का स्पेशल क्लास आपको दिख जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ एनरोल बटन पे क्लिक करना है और कल टू पी क्लास में आ जाना है ऑल दी स्पेशल क्लास आर एब्सिल्यूटली फ्री फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ठीक है और आज सेशन के एंड में मैं आपको क्विज भी प्रोवाइड करूंगी क्विज ज्वाइन करने से क्या होगा आपको पॉइंट्स मिलेंगे भविष्य में कभी भी आप उसे रिडीम कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसे ड्राईस कहते हैं है, क्या क्विक सिल्वर कहते हैं एप्सम पोटैश ये सब कहते हैं वॉट इज इट नोन एज वेरी इजी क्वेश्चन बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे ये करेक्ट इटली एंड इटली इज फॉर पास्ता एंड चीज एंड पिजा राइट ऑप्शन नंबर वन आकाश शुभम वरुण रियल शिवम प्रकाश सुमित करेक्ट आंसर करेक्ट आंसल अचल करेक्ट सो द करेक्ट आंसर हियर इज द साउंड ऑफ द क्रैकर्स आर मे बी इट विल कम नाउ आफ्टर सम टाइम सो ड्राई आइस इज द करेक्ट आंसर वन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन अच्छा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच ईयर साँची व सांची स्तूपा सभी लोगों ने सुना है वेरी फेमस सो सांची स्तूपा किसने बनाया बनाया तो अशोक ने लेकिन उसके बाद काफी समय तक वो धका हुआ था वो डिस्कवर नहीं हुआ था बट इन विच ईयर सांची स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बींग एबेंडेंट फॉर नियरली सिक्स हंड्रेड इयर्स छ सौ साल एबेंडेंट होने के बाद छह सौ साल के बाद इसको रीडिस्कवर किसने किया सांची स्तूपा को ये कब हुआ था ये 1816 के समय में हुआ था 1820s में 1880s में ये हुआ था या फिर 1814 में तो जब पूरी दुनिया यहाँ पे द करेक्ट आंसर हियर इज 1818, ओके okay? मतलब वर्ल्ड वॉर वन से भी सौ साल पहले जो है 1818 में ये आपका दोबारा से डिस्कवर किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द यूनिफार्म जी एस टी रेट दट हैज बिन फिक्सड अप फॉर लॉटरी प्राइजेस बाय द जी एस टी काउंसिल जी एस टी काउंसिल के द्वारा लॉटरी प्राइजेस के लिए एक यूनिफॉर्म जीएसटी रेट फिक्स कर दिया गया है मान लीजिए आप लॉटरी में एक गाड़ी जीतते हैं तो उसमें आपको जीएसटी तो देना पड़ेगा तो ये कितने प्रतिशत पे फिक्स किया है अब आप खुद ही सोचो दस अठारह अट्ठाईस कितने पे होगा वैसे भी बाकी तो लॉटरी पे है है ना तो इसमें कम से कम जीएसटी तो ज्यादा भर लो कितना होगा ऑप्शन नंबर टू वेरी गुड मास्टर शिवम अचल सुमित करेक्ट इट इज एट ट्वेंटी एट परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट में जो है इसे फिक्स कर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया Who inaugurated the Kartarpur corridor and flagged off the first set of pilgrims to the final resting place of Sikhism founder Guru Nanak Dev? Guru Nanak Dev ji ka jo final resting place hai na wo Kartarpur corridor. से होते हुए आपका पाकिस्तान तरफ पड़ता है तो हमने बोला कि इधर से एक कॉरिडोर करके इस तरीके से रखते हैं बट अभी तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो इसमें फर्स्ट सेट ऑफ पिलग्रिम्स को वहां जाने के लिए इस पूरे आप कहिए कि यात्रा के लिए किन्होंने इसे फ्लैग ऑफ किया था रामनाथ कोविंद मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी या फिर अमरिंदर सिंह आप खुद सोचिए क्या हो सकता है आपका आंसर यस ठीक है करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन अलग अलग टैक्स लैब है शुभम अलग अलग कमोडिटीज के लिए अलग अलग टैक्स लैब है और उसके हिसाब से होगा फिर आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ कमोडिटीज एक्सेप्शन इज देयर फॉर एग्जाम्पल इन एल्कोहल बट देन अदरवाइज हैव टू गिव फॉर एग्जाम्पल ए सी रेस्टोरेंट है नॉन ए सी रेस्टोरेंट है तो इस तरीके से टैक्स लैब के हिसाब से देना पड़ेगा कि वो कॉमोडिटी किस में लाइक करता है ठीक है नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर थ्री इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन च ऑफ दीज वर्ड्स रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स निम्न लिखित में से जो घरेलू डॉग्स है उनका साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं क्रेमेटिस्टिक्स साइनोलॉजी क्रेनियोलॉजी तो क्रेनियम से क्रेनियोलॉजी कार्पोलॉजी सो वॉट इज द करेक्ट आंसर इट इज नॉन एस वॉट डोमेस्टिक डॉग्स के स्टडी को क्या कहते हैं एनी बडी क्लास देख लिए ठीक है बहुत बढ़िया मास्टर गेमर करेक्ट रमेश जी के करेक्ट द करेक्ट आंसर हियर इज इट इज नोन एज साइनोलॉजी साइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स द अरको वैली कहां पे है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश अ टूरिस्ट रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ सिटीज इन साउथ इंडिया ये तो आंसर ऑलरेडी बता ही दिया मैंने अरको वैली कहां पे है विशाखापटनम में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी ब्यूटिफुल प्लेस प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबुल फिदा हुसैन प्रीडोमिनेंटली यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स टू डिपिक्ट लाइवली एंड फ्री स्पिरिट इन हिज पेंटिंग्स इंडियन पेंटर जिनका नाम है फिदा हुसैन उन्होंने निम्नलिखित में से किस जानवर का लगातार बार बार पेंटिंग्स में यूज़ किया या फिर उसे बनाया उसे ड्रॉ किया क्योंकि ये उन्होंने डेपिक किया कि किस तरीके से ये जिंदा तरीके से लाइवली है और फ्री स्पिरिटेड है आज़ाद है क्या टाइगर को बनाया लाइवली और फ्री स्पिरिट दिखाने के लिए हॉर्सेस बनाए एलिफेंट्स बनाए या फिर काउ बनाए तो एटलीस्ट आप वन और टू तक तो आ ही गए होंगे ऑप्शन देख के जिनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए एलिफेंट सोच रहे हो नो no. हैप्पी दिवाली सबको दुर्गेश हैप्पी दिवाली ऑप्शन नंबर टू टू नहीं लिख रहे हो कोई सब लोग टाइगर सोच रहे हो नहीं काउ ओके काउ तो शांत है ना सो दिस इज योर हॉसेस हॉसेस को बनाया लाइवली एंड फ्री स्पिरिटेड दिखाने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following played the leading lady in the film Mission Mangal that tells the dramatic true story of the woman behind the India's first mission to Mars? Nimnalikhit me se kinho ne yaha pe Mission Mangal picture me Mission Mangal film me lead role jo hai yaha pe kia hai. और एकदम ट्रू स्टोरी बताया है हाउ शी वाज एक्सप्लेनिंग हर सन किस तरीके से बॉल को घुमा के फेंकने से इस अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा एंड ऑल दिस थिंग्स राइट तो ये करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण ने काजल ने या फिर विद्या बालन कौन थी पिक्चर में कौन थी दुर्गेश करे शुभम करे प्रियव्रत आदित्य भास्कर अचल मास्टर सुमित करेक्ट आंसर विद्या बालन विद्या बालन लीड एक्ट्रेस ऑफ एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ, दे आस्ट अबाउट आलिया भट्ट का मूवी है ना तो इसमें विद्या बालन के बारे में पूछा Next question. Sultan Qaboos bin Said of Fill in the Blanks, kya lag hai? Abu Dhabi, Kuwait, Dubai, Oman, of Fill in the Blanks, the Arab world's longest serving ruler and with a reputation for quiet diplomacy passed away recently in 2020. The Sultan Qaboos bin Said, Q famous, hai? he has a reputation of quiet diplomacy. आबुधाबी का क्वाइट डिप्लोमेसी है क्या कुवैत रिचेस करेंसी दुबई नो ओमान व्हाट इज योर आंसर क्वाइट डिप्लोमेसी इनमें से किन का है आप ये भी सोचिए एक बार आंसर एग्जैक्टली ओमान करेक्ट शीरिन मोहम्मद हजमा फायर करेक्ट फोर फोर एवरीबडी एवरीबडीज टेकिंग ऑन ऑप्शन नंबर ओमान करेक्टर टू दिसन सुल्तान बिन सैद ऑफ क्वेश्चन जो रेड कलर के वॉर्म्स होते हैं उनके पास क्रॉप होता है क्या जो उनको अपने खाने को और ज्यादा क्रंच करने में मदद करता है तोड़ने में मदद करता है ग्राइंड करने में मदद करता है ठीक है Gizards कहते हैं क्या हम जैसे ह्यूमन बींग्स कहते कहते हैं हैं क्या हम उसके लिए बींग्सो तो फूड पाइप हो गया इंटेस्टाइन तो डाइजेस्ट करने के लिए हो गया एलिमिनेट कीजिए एक ही ऑप्शन बचा बताइए कौन सा है गिजार्ट सागर वर्मा करेक्ट आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर इट इज योर गिजार्ट तो रेड वॉर्म में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है फूड को ब्रेक करने के लिए वो है गिजाट ओके okay? नेक्स्ट एज आई टोल्ड यू की क्वेश्चन आगे है मिड नाइट चिल्ड्रन वाला सलमान रशीदी के समय में बताया था वोन द साहित्य अकेडमी एवॉर्ड टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया अगर ये बन जाए तो साहित्य एकेडमी हिंदी के लिए छीलते हुए अपनों को छीलते हुए अपनों को इस बुक के लिए हिंदी के लिए हिंदी में इस बुक के लिए जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड किन्हें मिला ये आप आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा शशि थरूर यस करेक्ट ऑल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन जेट इज शशि थरूर फॉर ऑफ डार्कनेस छीलते हुए अपनों को अगर कोई बता सकता है देन इट इज वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि आपका इसी बार पूछा गया है क्वेश्चन विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्स द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसको फिक्स करती है तो सारे बैंकों का पापा कौन है इंडिया में जिसके बाद सारे बैंक है और जिसके बाद आप और हम आम आदमी हैं अगर इधर इन्फ्लेशन का समस्या हुआ सबके पास बहुत पैसा है तभी तो महंगाई बढ़ रहा है ना सबके पास बहुत पैसा है कैश है या फिर आपके लिए ज़्यादा है, तभी तो इन्फ्लेशन हो रहा है तो इसको यहां से स्ट्रीम करके ऊपर की तरफ लेके जाया जाएगा यह काम कौन करेगा दिस विल बी डन बाई दरबीआई एज अ पार्ट ऑफ दॉनीटरी पॉलिसी ठीक है आप में से जितने लोग बैंक का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कल एस बी का नोटिफिकेशन आया है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ठीक सो दिस इज डन बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अगर इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन होता वो क्या है दूसरा वाला वो है आपका फिस्किल पॉलिसी फिस्किल पॉलिसी जिसके तहत बजट वजट के थ्रू जो है आपका टैक्स लैप के थ्रू इकोनॉमी को यहाँ पे इवेंट बनाने का कोशिश है रोजर गुड इवनिंग

हर हस्बैंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर हस्बैंड, टेल मी तो सावित्री बाई फुले जो है जो एक सोशल रिफॉर्मर फ्रीडम फाइटर और फैमिनिस्ट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है और वहाँ के एडुकेशन सिस्टम के में उनका बहुत बड़ा योगदान है ज्योतिबा फुले इज द नेम ऑफ द हस्बैंड अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास सुमित अभिषेक गुरविंदर आचल फायर रॉजर करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर थैंक यू सो मच आदित्यि इट इज़ योर व्हाट इज द करेक्ट आंसर महाराष्ट्र से शी हेल्स फ्रॉम महाराष्ट्र गूगल डूडल ने ऑनर किया था उसके बाद क्वेश्चन आपको पूछा गया the ruins ऑफ the अदरवाइज वो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है हिस्ट्री का एक आपका पक्का क्वेश्चन है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स में से द रुविंस ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट हम क्या कहते हैं विजयनगर जो आपका बना था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था मिडिवल इंडिया में तब तो विजयनगर और बहमनी दो एम्पायर्स अलग हुए थे विजयनगर में कौन हरिहर एंड बुक्का हरिहर एंड बुक्का फाउंडर थे विजयनगर के और बाहमनी के हसन गांगो लेकिन इसका फिर आपका स्ट्रगल्स में फाइनली द रूइंस ऑफ विजयनगर अगर आपसे पूछे द रुवंस ऑफ विजयनगर कहाँ है तो आप हम्पी बोलते हो लेकिन ये पूरा सेटअप कहाँ है बिहार तेलंगाना हरियाणा या फिर व्हाट इज योर आंसर कर्नाटका बिसाइड्स द तुंगा भद्रा रिवर वेरी गुड अभिषेक और यहाँ पे लड़ाई भी किस लिए हो रहा था जो ये पूरा स्ट्रगल साउथ इंडिया में चल रहा था उसके पीछे मेन रीजन तुंगा भद्रा दोआब रीजन था और नॉर्थ इंडिया में कन्नौज वाला रीजन था ठीक है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा फोर इज द करेक्ट आंसर सो स्टूडेंट्स आई अंडरस्टैंड टुडे इस दिवाली आप सभी लोग फिर भी इस क्लास में आए यहाँ पार्टिसिपेट किया थैंक यू सो मच अभी मैं आप लोग के लिए टेस्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ टेस्ट देने के लिए आप सब लोग को ऐप ओपन करना पड़ेगा ऐप में सबसे लास्ट में आपको यहाँ सबसे लास्ट में नीचे की तरफ आपको टेस्ट नज़र आएगा और वहाँ पे आप जाएंगे लाइव क्विज में ठीक है उसके बाद ऊपर आपको लाइव क्विज देखने को मिलेगा लाइव क्विज में जाने के बाद मैं यहाँ पे होस्ट क्विज कर रही हूँ जनरल अवेयरनेस मैं आज यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल जो हमारा सेशन होगा एट 2 पी उसमें हम लोग साइंस पढ़ेंगे फॉर एन टी पी सी एंड एस एस सी सो लेट मी स्टार्ट साइंस क्विज टूडे साइंस क्विज एंड आई एम क्रिएटिंग द साइंस क्विज ओके आप जाएंगे लाइव टेस्ट में टेस्ट में जाके लाइव टेस्ट में जाके फिर आप इस कोड को एंटर करेंगे द कोड इज जीरो थ्री फोर टू सेवन थ्री प्लीज एक बार कोड को लिख दीजिए सभी लोग द कोड इज जीरो थ्री फोर टू सेवन थ्री इस कोड को सभी लोग एक बार यहां पर लिख लीजिए प्लीज जीरो थ्री फोर टू सेवन थ्री एंड आई विल स्टार्ट the सेशन आफ्टर नाइन मिनट्स that इज सेवेंटीन इज टू फोर्टी ओके मैं नाइन मिनट्स बाद इस सेशन को स्टार्ट करूंगी फाइव फोर्टी में मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगी ये क्विज सेशन आपको फॉर ऑल एग्जामिनेशन मदद करेगा इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के मिक्स क्वेश्चन फटाफट ट्वेंटी सेकेंड लगेगा एक क्वेश्चन में आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे ओके थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वंस अगेन मेरे तरफ से आप सभी लोग को हैप्पी दिवाली टेक केयर स्टे प्लेस्ड एंड इफ यू आर प्लेइंग दिवाली इन द फॉर्म ऑफ क्रैकर्स प्लीज टेक केयर ऑफ एनवेंट आपके आसपास के जानवर एक्सेट्रा और साथ ही साथ बी सेफ ओके थैंक यू टेक केयर गुड नाइट